हे गाइस, मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना हूँ कि नंबर सिस्टम जो कि हमारी क्लास 10th की अभी न्यू जो रिलीज़ हुई है वो टेक्स्ट बुक उसके ऊपर ही है। ये नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है हमारा और इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 और उसके अगली वीडियो एक्सरसाइज 1.2 दोनों ही हम करवाते जाएंगे। पहले मैं आज की इस वीडियो के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो चैप्टर 1 है क्लास 10th का उसके बारे में आपको हर चीज़ समझाऊंगा। ये टोटल 12 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन, इससे आपको पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 की नोटिफिकेशन मिल जाए या और कोई वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन है हमारे पास 12 क्वेश्चन है, वाट इज़ नेचुरल नंबर। वाट इज़ नेचुरल, जैसे ही जैसे लोग समझने लगे हैं तो सबसे पहले नंबर आए थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक, 1 से स्टार्ट होके अनंत तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये इन्फिनिटी यानी अनंत तक, जिसकी कोई लिमिट नहीं, यानी गिनती लिखते जाओ कोई लिमिट नहीं है इसकी, ये है नेचुरल नंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर जैसे किसी बच्चे ने एक एग्ज़ाम के अंदर 8 क्वेश्चंस थे उसके अंदर से 2 क्वेश्चंस सही किए तो उसको 2 मार्क्स मिले, अगर किसी ने कुछ हल नहीं किया तो उसको 0 मिलना चाहिए, इसलिए आविष्कार हुआ 0 का। अब 0 को कौन से ग्रुप के अंदर रखा जाए, उस ग्रुप का नाम है होल नंबर, उसको अपन होल नंबर के नाम से जानते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज़ होल नंबर? जो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर वो है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मुझे ऊपर आसमान में जाना है तो अगर मेरे को 4 मीटर ऊपर जाना है तो मैं बोलूँगा 4 + 4 मीटर, और अगर नीचे जाऊँगा तो भी 4 मीटर + 4 मीटर थोड़ा ना बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा? -4 मीटर। यानी नीचे यानी ऊपर और नीचे का ना फर्क बताने के लिए इंटीजर्स का निर्माण हुआ है। जो कि इंटीजर्स कैसे होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, यानी इधर माइनस अनंत और प्लस अनंत तक चलते रहते हैं ये नंबर्स जो कभी ख़त्म नहीं होते। अभी आता है व्हाट इज़ रेशनल नंबर। व्हाट इज़ रेशनल नंबर? जैसे कि एक पिता की 2 संतानें हैं तो उनके जो बंटवारा होगा प्रॉपर्टी का तो कितना होगा? 1/2, यानी आधा ही होगा ना। अगर किसी पिता की 4 संतानें हैं तो कितने कितना हिस्सा होगा प्रॉपर्टी का? 1/4। वैसे ही ये होते हैं हमारे पास क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अपन P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 1/4 आ गया या और कोई नंबर आ गया, यानी और जो ये P और जो Q है ये नंबर्स हैं, ये I के मेंबर्स होने चाहिए, यानी इंटीजर्स में से कोई भी नंबर आ सकता है। वो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4, -5, -6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जितना आगे बढ़ जाए पर वो इंटीजर्स का मेंबर होना चाहिए। जैसे कि ये 1 है ये इंटीजर्स का है और 4 है ये भी इंटीजर्स का है, वैसे तो बहुत आगे लिखते जाए तो ख़त्म ही नहीं होगा। ये हो गया रेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर से समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा टर्मिनेटिंग नंबर क्या है। टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ये जो सारे नंबर्स हैं ये डेसिमल के ऊपर डिपेंड है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझना। ये है व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जैसे कि अपन के अपन व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर, जैसे कि 5/2 मैंने लिखा है, 5/2 को
मैंने डिवाइड किया तो 2.5 आ गया, यानी आगे तक कोई फ्रैक्शन नहीं चल रहा है। इसको बोलते हैं अपन 5/2 इज इक्वल टू 2.5, यानी एक डिजिट, दो डिजिट या तीन डिजिट के बाद बंद हो जाता है, उसको तो बोलते हैं अपन रेशनल नंबर डिवाइड करने पर। फिर आता है व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अभी जो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर और व्हाट इज इरेशनल नंबर, इनमें तीनों को इरेज कर रहा हूँ, इन तीनों को मैं एक ही बारे में समझा दूंगा। जैसे कि थोड़ा अलग है टर्मिनेटिंग नंबर, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये, टर्मिनेटिंग नंबर तो ये हो गया हमारा, ये एग्जांपल है टर्मिनेटिंग नंबर का। नॉन टर्मिनेटिंग इसके दो हिस्से होते हैं, पहला तो वो होता है नॉन रिपीटिंग, फिर होता है रिपीटिंग। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इन दोनों के मैं एक एक एग्जांपल दूंगा उससे आप समझ जाएंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग नंबर होते हैं वो तो होते हैं रेशनल नंबर, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो इसको रिपीटिंग भी अपन बोलते हैं, कहीं कहीं रिपीटिंग की जगह रेकरिंग लिखा आता है, रेकरिंग। तो रेकरिंग और रिपीटिंग दोनों एक ही चीज़ है, चाहे मैं ये लिखूँ चाहे मैं ये लिखूँ, रेकरिंग एक ही बात है। और नॉन रेकरिंग भी आ सकता है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अभी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का जो एग्जांपल है वो है हमारे पास, जैसे कि अपन ने ले लिया, जैसे कि अपन ने एग्जांपल में ले लिया 7/5/3। 5/3 मैंने एग्जांपल लिया। अब इसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं, मैं तो साइड में डिवाइड कर देता हूँ। 5 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा, 5 बन जा 3 माइनस 2 और पॉइंट लगेगी 0, 6, 18, 2, फिर और 0 लगेगी, फिर और 6, ऐसे ऐसे करके, यानी ये चलता जाएगा। यानी जो 6 वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल में ही है, टर्मिनेट है आगे बढ़ना, टर्मिनेट का मतलब आगे बढ़ना। जैसे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर था, यानी 5/3 की वैल्यू क्या आई, 1.6 बार, यानी जो 1.6 बार जब आता है तो उसको 1.6 और ऊपर बार करते हैं, इसका जो बार बार जो नंबर आता है उसके ऊपर अपन को बार लगा देना होता है। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अभी आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ये कैसा नंबर है, ये नंबर है जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिया 1.0202, फिर 3 जीरो आ गई, फिर अगली बार और 2 आया, फिर 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, फिर 1, 2, फिर 2, फिर 1, 2, 6, ऐसे करके ये यानी आगे बढ़ते जाते हैं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वैसे तो 2 तक मान लेते हैं लोग, पर देखो ये आगे बढ़ता जा रहा है, यानी अगली बार और 2 आएगा, फिर 8 जीरो आएगी, फिर और 2 लगे, फिर और 9 जीरो आएगी, फिर 2 और लगे, फिर और 10 जीरो आएगी, उसको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। इसको आप याद रख लेंगे, उसके बाद अपन चलते हैं, एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका। अभी हमारे पास आता है व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि एक तो वन की टेबल में आते हैं और एक खुद की ही टेबल में आते हैं, जैसे कि एक 3 एक प्राइम नंबर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक मैंने टेबल लिखी वन की, और 3 की टेबल क्या है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12,
थ्री इंटू पाँच बराबर 15, इंटू छः बराबर 18, थ्री इंटू सात बराबर 7 या 21, 3 अट्ठे 24, 9 तीस 27, इंटू 10 बराबर 30। अभी जो ये 3 है वो एक तो खुद की टेबल में 1 और इधर आ रहा है ये 3। 3 एक तो 1 की टेबल में और 3 की टेबल में आ रहा है। बाकी किसी टेबल में आपने देखा है कि 3 आता हो? जैसे यानी जो नंबर जो एक तो खुद की टेबल में आता है और एक 1 की टेबल में आता है उसको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर। वो स्टार्ट होते हैं किससे? 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आगे तक चलते रहते हैं ये। तो फिर आता है अपना व्हाट इज़ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये वो होता है जिसकी एक जो फॉर्म होती है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आता है को प्राइम नंबर। जैसे कि 1 अपॉन 2 है, ये को प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि अभी आगे किसी भी टेबल से 1 के अलावा किसी भी टेबल से नहीं कट रहा है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 9 अपॉन 6 है, इसको ये अभी दोनों ही कट रहे हैं, इसको मैंने काटा तो क्या आएगा? 3 अपॉन 2। अभी आगे थोड़ा ना कट रहे हैं तो ये हो गया अपना को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसको अपन क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। उसके बाद आता है व्हाट इज़ कंसेक्यूटिव नंबर। को प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन में मैं बोल लेता हूँ, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। फिर आता है अपना व्हाट इज़ कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये सारे जो नंबर्स हैं ये कंसेक्यूटिव हो गए, यानी जो नंबर है लगातार आते हैं उसको अपन कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। मैंने 1, 2, 3, 4 लिया, अब मैं ले लेता हूँ 3, 5, 7, 9, तो ये जो नंबर है ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, ये है हमारे कंसेक्यूटिव नंबर। यानी 7, 8, 9 हो, चाहे 21, 22, 23 हो, चाहे 25, 26, 27 हो, पर एक छोड़ के, एक या दो छोड़ के ऐसा कोई नियम नहीं है, यानी लगातार आने चाहिए नंबर। फिर आता है हमारा, ये हो गया प्राइम नंबर, को प्राइम और कंसेक्यूटिव भी हो गया। अभी अपन के पास आता है लास्ट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जो इसके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हो। जैसे कि 10 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 × 5। जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हों उसे अपन को प्राइम, उसे अपन कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में 10, 2 × 5, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कंपोजिट नंबर का, जैसे कि 20 आ गया, तो उसके प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 ऐसे करके आते हैं नंबर 20। इसको मैंने लिया तो इसके फैक्टर क्या होती है? 10 × 2 लिख सकता हूँ। अभी इसके और फैक्टर करेंगे अपन, अभी तक ये प्राइम फैक्टर नहीं हुआ है। 2 × 5 × 2, यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, यानी 2 से ज़्यादा 3 हो रहे हैं इधर फैक्टर, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। 2 या 2 से अधिक नंबर वाले कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, और एक बार वापस सुन लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हो तो उसे अपन कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये हो गया हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी। एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे।